असम में भाजपा विधायक की गाड़ी में मिला ईवीएम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना। मासूम चुनाव आयोग गाड़ी में बैठकर सवारी कर रहा था। इलेक्शन कमीशन की बड़ी कार्रवाई, चार अफसरों को किया सस्पेंड। असम में भाजपा विधायक की गाड़ी में ईवीएम मिलने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा है। हम आपको बताते चले कि हाल ही में असम में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उसी बीच एक भाजपा विधायक की गाड़ी में ईवीएम मिलने से हंगामा खड़ा हो गया है, जिसका वीडियो प्रियंका गांधी ने ट्विटर से शेयर किया है। असम में बीजेपी विधायक की गाड़ी में ईवीएम मिलने के मामले में चुनाव आयोग ने प्रशासन से इस घटना की रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग की अब तक की मिली रिपोर्ट के अनुसार पोलिंग पार्टी की गाड़ी खराब हो गई थी, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने बीजेपी विधायक की गाड़ी में लिफ्ट ले ली थी, क्योंकि इस दौरान चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्ति सेक्टर अफसर ने कोई भी गाड़ी की व्यवस्था नहीं की थी। चुनाव आयोग को जिला निर्वाचन अधिकारी से अब तक मिली प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक पोलिंग पार्टी की शुरुआत में जानकारी नहीं थी कि जिस गाड़ी में वो लिफ्ट ले रहे हैं वो बीजेपी विधायक की गाड़ी है। बता दें कि गाड़ी बीजेपी विधायक की पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड है। लिफ्ट लेकर जब बीजेपी विधायक की गाड़ी से पोलिंग पार्टी लौट रही थी, तभी स्थानीय लोगों ने देख लिया और गाड़ी को रोक दिया। पोलिंग पार्टी के सदस्यों को स्थानीय लोगों ने गाड़ी से निकाल दिया और भीड़ हिंसात्मक होने लगी। चुनाव आयोग को मिली सूचना के मुताबिक ईवीएम बीजेपी विधायक की गाड़ी से मिली है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक ईवीएम का सील नहीं टूटा है। चुनाव आयोग को जिला निर्वाचन अधिकारी से दूसरी रिपोर्ट का भी इंतजार है। वहीं बीजेपी विधायक की गाड़ी में ईवीएम मिलने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है, हर बार ऐसा वीडियो सामने आते हैं जिनसे प्राइवेट गाड़ियों में ईवीएम ले जाते हुए पकड़े जाते हैं। चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहाँ एक गाड़ी प्रकट हुई, गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली, मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता है। वहीं प्रियंका गांधी लिखती हैं कि प्रिय इलेक्शन कमीशन, माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं या हम सब मिलकर बोलें इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो, वनक्कम। इस मामले में चुनाव आयोग ने चार अफसरों को सस्पेंड कर दिया है, वहीं उन पर FIR दर्ज कराने के भी आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठहरो, अब क्या हुआ? मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें डाइवोर्स चाहिए? कितने दिनों से कह रही हूँ कि फ्रिज खराब हो गया है, कभी टीवी, कभी वॉशिंग मशीन, कभी एसी, कुछ ना कुछ खराब होता रहता है और तुमने अभी तक नहीं बनवाया, इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए बस। देखो सुनो, तुम्हें पता है मैं कितना बिजी रहता हूँ, अब इस वक्त मैं फ्रिज रिपेयर को कहाँ से लेके आऊँ? हो जाएगा जीजू, टोमिंडर होम सर्विसेज ऐप पर। और हाँ, अब मैकेनिक आएगा आपके घर आपका फ्रिज रिपेयर करने, और अब आपको आपके ऑफिस की छुट्टी भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना सिंपल? वाओ, फिर तो मैं अभी डाउनलोड करता हूँ और फ्रिज रिपेयर को बुलवाता हूँ। जल्दी करो। हो गया। हेलो सर, टोमेंडर होम सर्विसेज प्रोवाइडर सर। वेलकम, फ्रिज उधर है। जी सर, आपका फ्रिज रिपेयर हो गया। थैंक यू बॉस। थैंक यू सर। टोमेंडर होम सर्विसेज प्रोवाइडर ऐप ने हमारा घर तो टूटने से बचा लिया। टोमेंडर होम सर्विसेज प्रोवाइडर ऐप से आप अपने जीवन से जुड़े सभी काम, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक और भी बहुत सारी सर्विसेज घर बैठे करवा सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए टोमेंडर होम सर्विसेज ऐप। अरे भाई देख कह रहे हैं, डाउनलोड कीजिए। हाँ।